वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें एक कंपनी और चार लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली जल बोर्ड ने ठेका देने में भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली जल बोर्ड केस में यह ईडी की पहली चार्जशीट है। इसे दिल्ली की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया गया। चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के पूर्व जनरल मैनेजर डीके मित्तल, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तेजिंदर सिंह को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, पर वो नहीं पहुंचे।